वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्रीम ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को रिड्यूस आउट करती है। मैं आपकी एक्ने कितनी भी ज्यादा हो सारे को रिड्यूस करेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है या पर्टिकुलरली ऑयली स्किन और ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टाइप की मैं कंटेंट्स लेकर के आती रहती हूँ, लाइक आपको रिव्यूज वीडियोज मिल जाती है, हेयर केयर पे मिल जाएगी, स्किन केयर मिल जाती है, आपको वेट गेन पे मिल जाएगी, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं। इस टाइप के आपको कंटेंट पसंद आती है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो इनटू द फ्रेंड्स। जो प्रोडक्ट है वो है फाइन फेस क्रीम, ठीक है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आपको बिलो 200 रुपीज में, आपको बिलो 150 में ही मिल जाएगी। एंड क्वांटिटी आपको 20 ग्राम मिलती है। ये प्रोडक्ट आपको लिटिल बिट आपको चाहिए होती है लगानी, ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लगानी होती है, तो बहुत दिनों तक चलेगी। फ्रेंड्स बात करूँ ये प्रोडक्ट आपको कौन एज ग्रुप वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट को यूज करने के टाइम, तो 18 के प्लस वाले ही आपको इसे यूज करनी है। जेंडर में डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोई भी जेंडर वाले यूज कर सकते हो। स्किन टाइप मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑयली स्किन एंड ऑयली एक्ने प्रोन स्किन ही आपको यूज करनी है। इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स होती है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक्ने पे वर्क करती है, आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को ट्रीट आउट करती है, स्किन को बहुत ज्यादा क्लियर आउट करेगी, पोर्स को क्लीन करती है, सीबम को हटाती है, जिस वजह से ये सिर्फ दो स्किन टाइप के लिए ही बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको क्लेम्स क्या मिल जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक्ने को ट्रीट आउट करती है, तो जो बैक्टीरिया हम लोग की स्किन में हो जाती है उस बैक्टीरिया को ये किल आउट करती है। इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होने लगती है एक्ने के दौरान, जब एक्ने बहुत ज्यादा निकलती है तो इन्फ्लामेशन होने लगती है, रेडनेस टाइप की चीजें होने लगती है आपको, तो उन चीजों पे आपको वर्क करेगी। स्वेलन हो जाती है, दर्द करती है वहां पे, तो उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट आउट करती है। और ये प्रोडक्ट आप फेस में लगा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड की जाती है जो आपके एक्ने को ट्रीट आउट करे और अच्छे से क्लियर स्किन और सेल्स को बूस्ट अप करे, सेल्स को अच्छे से बनाए रखे। फ्रेंड्स इसमें इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें आपको बेटा मेथासोन मिल जाती है जो कि 0.1% है, ये स्टेरॉइड इंग्रेडिएंट है। आपके स्टेरॉइड इंग्रेडिएंट इसमें क्या हेल्पफुल में आती है, तो आपकी इचनेस की प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगी, स्वेलिंग आपकी हो जाती है तो उनको अच्छे से ठीक करती है, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होने लगती है एक्ने के दौरान तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। इसमें फ्रेंड्स आपको क्लैंडामाइसिन मिल जाती है जो कि 1% आपको मिल जाती है। क्लैंडामाइसिन सिर्फ आपकी एक्ने को ट्रीट आउट करती है, बैक्टीरिया को किल आउट करती है, जिस वजह से आपकी जो सीबम की जो प्रॉब्लम होती है, ऑयलनेस जो प्रोडक्शन होती है उसको रिड्यूस आउट करती है। एंटीबायोटिक इंग्रेडिएंट भी इसे बोलते हैं कि आपकी एक्ने पे बहुत जल्दी से ट्रीट आउट करती है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स वो है निकोटिनामाइड, जो कि आपको 4% इसमें मिल जाती है निकोटिनामाइड, जो आपकी स्किन की बैरियर की तरह काम करती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देती है, स्मूथ करती है आपकी स्किन को, साथ में ये एक्ने के भी प्रॉब्लम को रिड्यूस आउट करती है। मींस निकोटिनामाइड एक सेम एज आपकी नाइसिनामाइड की तरह ही होती है, बैरियर की तरह स्किन पे काम करेगी तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने देती है एक्ने से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है आप कैसे यूज करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें फ्रेंड्स नाइट को ही यूज करनी है, फेस को माइल्ड फेस वॉश से यूज करनी है। आप जो भी फेस वॉश ले वो पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको पैर ड्राई कर लेनी है, उसके बाद लाइट क्वांटिटी में आपको लेनी है, जहां पे भी आपको ये हुई है वहां लगा सकते हो, नहीं तो पूरी ऑल ओवर फेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लगानी है, पी साइज आपको लेनी है पूरी फुल ऑल ओवर फेस में लगाने के लिए। लगाने के बाद कुछ भी आपको नहीं लगानी है, ना उससे पहले आपको लगानी है ना उसके बाद आपको लगानी है, सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश से फेस को वॉश करनी है, नाइट में सिर्फ और सिर्फ ये करनी है, मॉर्निंग में उठ करके एक अच्छी वाली मॉइस्चराइजर डेफिनेटली लगाएं फ्रेंड्स, नहीं तो आप इसमें बोरोलिन लगा सकते हो और नहीं तो आप एमोलिन एक मॉइस्चराइजर आती है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां जाके आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मॉइस्चराइजर है। और सनस्क्रीन मॉर्निंग में डेफिनेटली लगानी, जो कि 50+ सनस्क्रीन लगानी है आपको, गर्मी की आ गई है दिन फ्रेंड्स, तो गर्मी में आपको 50+ नहीं लगाओगे तो स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी मिलती है,
इन अ वीक में आपको रिजल्ट स्टार्ट हो जाती है। आप जब इसे पहली बार यूज कर रहे हो तो कुछ कुछ देर देर करके आप यूज करें, आज यूज करें तो कल नहीं यूज कीजिए, फिर परसों यूज कीजिए, फिर स्किन थोड़ी सी यूज हो जाती है तो फिर आप रेगुलर यूज कर सकते हो। ज्यादा दिनों तक आपको नहीं यूज करनी है, 1 मंथ से 1.5 मंथ होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी है फ्रेंड्स। रिजल्ट बहुत अच्छी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।